जब भी धोनी से मिलूंगा ये सवाल जरूर पूछूंगा कि सेंचुरी बनाने के बाद भी मुझे क्यों ड्रॉप किया गया, मैं भी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे हीरो बन सकता था। ये बातें एक इंटरव्यू में टीम इंडिया के बल्लेबाज मनोज तिवारी ने कही, जिन्हें लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर रखा गया और आखिरकार उन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है। रिटायरमेंट लेने के बाद ही मनोज तिवारी ने धोनी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझ में रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरह हीरो बनने की क्षमता थी, लेकिन मैं नहीं बन सका। आज मैं टीवी पर देखता हूं जब कई लोगों को काफी ज्यादा मौके मिल रहे हैं तो मुझे दुख होता है। तिवारी ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 104 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद उन्हें 14 मैचों के लिए बिना कोई वजह टीम से बाहर कर दिया गया। तिवारी ने कहा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं धोनी से पूछूंगा कि शतक बनाने के बावजूद मुझे टीम से क्यों ड्रॉप किया गया, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया दौरे में जब कोई भी रन नहीं बना रहा था, न विराट कोहली, न रोहित शर्मा और न ही सुरेश रैना। मुझे टीम इंडिया के लिए टेस्ट कैप भी नहीं मिली, वो भी तब जब मैं 65 रणजी ट्रॉफी मैच खेल चुका था और मेरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 65 की एवरेज थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया दौरे पर आई थी और मैंने प्रैक्टिस मैच में 130 रन बनाए और फिर इंग्लैंड के खिलाफ 93 रन बनाए। मैं टेस्ट कैप हासिल करने के बेहद करीब था, लेकिन तब धोनी ने युवराज सिंह को चुन लिया, इसलिए मुझे टेस्ट कैप हासिल ना कर पाना और सेंचुरी बनाने के बावजूद अगले 14 मैचों के लिए ड्रॉप कर देने का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मनोज तिवारी की आखिरी लाइन्स ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि जब खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस एकदम चरम पर होता है और कोई उसे इस तरह से तहस नहस कर देता है तो ये चीज उस खिलाड़ी को खत्म करके रख देती है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, मनोज तिवारी की इन बातों से आप कितना सहमत हैं? आप इस मामले में अपनी राय कमेंट जरूर करें।